छह प्रकार के दोस्त कौन हैं? पठित पाठ्य के आधार पर वर्णन करें। यानी कि पठित पाठ्य यानी कि आपने एक पाठ पढ़ा है नीति श्लोका, उसी में से लिया गया है, ये विदुर जी द्वारा रचित है नीति श्लोका, और ये उस पाठ के आधार पर हमें छह प्रकार के दोस्तों का वर्णन करना है। और ये प्रश्न जो है क्लास 10 के संस्कृत से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छह प्रकार के दोस्त कौन है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ में मनुष्य के छह दोस्तों का वर्णन किया गया है। ये छह दोष नींद, उघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता है। नीतिकार का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इन छह दोषों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता, वह तंद्रावश प्रत्येक काम के पीछे रह जाता है। भय के कारण काम के आरंभ ही नहीं कर पाता तथा क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है। आलस्य के कारण समय का सदुपयोग नहीं हो पाता, तो दीर्घसूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। यही है इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप लिखिए महात्मा विदुर द्वारा रचित महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ में मनुष्य के छह दोषों का वर्णन छह दोषों का वर्णन किया गया है। ये आगे लिखिए, ये छह दोष पहला है नींद, दूसरा है उघना है और तीसरा है भय, इसके बाद है क्रोध, और इसके बाद लिखिए आलस्य, और एक और है, और लिख दीजिए, और दीर्घसूत्रता है। ये हो गया छह दोष। आगे लिखिए नीतिकार का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को ये छह दोष छोड़ देना चाहिए। अब चलिए प्रत्येक का बारी बारी से वर्णन कर दीजिए, आखिर इसके कारण होता क्या है वो लिख दीजिए। तो ये तो हो गया कि छोड़ देना चाहिए। आगे लिखिए क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता। आगे लिखिए वह तंद्रावश प्रत्येक काम में पीछे रह जाता है। आगे लिखिए भय के कारण काम आरंभ
आरंभ भय के कारण काम आरंभ ही नहीं कर पाता, आरंभ ही नहीं कर पाता, कर पाता। आगे लिखिए तथा क्रोध, क्रोध के कारण, के कारण क्रोध के कारण बना काम, बना काम भी बिगड़ जाता है। आगे लिखिए आलस्य, आलस्य आलस्य के कारण यहाँ लिख दीजिए कारण, आलस्य के कारण समय, समय का सदुपयोग, सदुपयोग समय का सदुपयोग नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। आगे लिखिए तो लिख दीजिए दीर्घसूत्रता अथवा दीर्घसूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। यही इसका सटीक आंसर है। अगर पूछा जाए छह प्रकार के दोष कौन है पठित पाठ्य के आधार पर वर्णन करें, तो आप लिखेगा महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ में मनुष्य के छह दोषों का वर्णन किया गया है, यानी कि ये महात्मा विदुर द्वारा रचित एक विदुर नीति है, वहीं से लिया गया है नीति श्लोका, ठीक है। और ये पाठ है हमारे क्लास 10th के संस्कृत में। पाठ में मनुष्य के छह दोषों का वर्णन किया गया है, और छह दोष कौन है, ये छह दोष है नींद, ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अब देखिए नीतिकार का कहना है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ये छह दोष छोड़ देना चाहिए, यानी नीतिकार ये जो विदुर जी का कहना है कि जो व्यक्ति प्रगति चाहते हैं यानी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें ये छह दोषों को छोड़ देना होगा, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता, यानी अधिक जो सोता है व्यक्ति वो कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता, वह तंद्रावश प्रत्येक काम के पीछे रह जाता है, और तंद्रावश देखिए वो काम के पीछे पड़ जाता है पीछे। भय के कारण काम आरंभ ही नहीं कर पाता, और यदि भय हो तो वह काम को शुरू ही नहीं कर पाता, तथा क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है, और व्यक्ति में यदि क्रोध हो तो जो काम होने वाला है बनने वाला है वो भी बिगड़ जाता है। आलस्य के कारण समय का सदुपयोग नहीं कर पाता, और जो आलसी हो, आलसी का जिसमें गुण हो, वो समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। तो दीर्घसूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। दीर्घसूत्रता यानी कि काम को आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करने वाले का क्या होता है, काम का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य को ये छह दोष छोड़ देना चाहिए यदि वे प्रगति चाहते हैं, तो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो